Hello guys, welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I am Janvi and today I am up with a new challenge. So this will be a vlog also. So in this video, I am going to do a fun challenge where I will be not talking to my sister for 24 hours, sister, sibling, whatever. So I am super excited. Usko koi clue nahi hai that I am doing such challenge. Usko khali ek hi cheez pata hai that I am vlogging today. And usne face wash kiya hai and baal bana liye taki wo vlog mein presentable. लगी उसको लग रहा है बहुत नॉर्मल व्लॉग होने वाला है बट या दिस व्लॉग हैज अ ट्विस्ट. आई नो शी इज गोइंग टू इरिटेट मी अ लॉट एंड शी विल जस्ट पिंच मी कि मैं कुछ बोलू से बात करूँ. लेट्स सी क्या होता है एंड या इट विल बी फन. लेट्स गो. गुड मॉर्निंग मम्मी. आप क्या बना रहे हो आज? समोसे और जलेबी बना रही हो क्योंकि जानू के दादी बाबा हैं तो दादी को जलेबियाँ पसंद है. एंड आई लव समोसे. और बारिश का मौसम आ रहा है तो थोड़ा सोचा बारिश होने वाली है और जानू को समोसे बहुत पसंद है. एंड ऑल्सो गाइज मम्मी को ये चैलेंज पता है. मम्मी आप क्या कह रहे हो? मुझसे सहन नहीं होता. मुझे सस्पेंस में रखा गया है क्योंकि कुछ तो होने वाला है मुझे ये पता है पर आई हैव नो क्लू क्या होने वाला है. आई डोंट थिंक सो इट्स अ प्रैंक बट जो भी है यू गाइस नो हम सच अ गुड गर्ल. हम सब कुछ हंसते हंसते करेंगे. मतलब ये चैलेंज है कि मेरे ऊपर ट्विन मेरे साथ बिग बॉस खेलना है. अच्छा तो तू तो इग्नोरिंग माई सिस्टर फॉर 24 आवर्स चैलेंज है. हाँ शांति आज तो क्या चैलेंज हो सकता है? क्या 24 आवर्स चैलेंज है? अच्छा मतलब आज तू नहीं बोलने वाली ऐसा चैलेंज है. चलो आज तो पार्टी ठीक है. ओके वॉट एवर आई एम सपोज टू एडिट माई वीडियो एंड अपलोडेड. गाइज गो चेक आउट माई न्यू वीडियो बहुत ही मस्त आने वाली है. तू कैमरा लेके ये ट्राइपॉड बन के खड़ी रहे. आई नो आई एम ब्यूटिफुल स्टफ स्टारिंग. हेलो गाइस सी माय लैपटॉप का ये लड़की ने इसको भी कॉपी कर लिया है. पहले ये सारे स्टिकर मैंने लगाए हैं क्योंकि जो हट है अपनी कोनी हटा क्योंकि जो प्लानर ने खरीदा था वो प्लानर तो यूजलेस हो गया इस साल. और तुझे आ रही है हंसी जो तू छुपा भी नहीं पा रही है. दिव्य दिव्य स्माइल वाइड. अच्छा स्माइल देखो. Guys, this girl is doing full-on cheating. इसने कैमरा छुपा दिया है एंड आई डोंट वॉन्ट टू व्लॉग इन माई फोन बिकॉज फुटेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है. You need to tell me, ask me कि कैमरा कहाँ रखा हुआ है. हेलो गाइज आई एम अ वेरी नाइस ह्यूमन और मुझे मेरी छोटी सी बहन पे तरस आ रहा था क्योंकि मुझे पता है वो जब अपने फ़ोन से फिल्म करती है तो बेचारी बहुत स्ट्रगल करती है. तो अब छोटे बच्चों से क्या फालतू यू नो चैलेंज में लड़ना वड़ना. तो ठीक अब आप लोगों को पता है जीत तो मैं गई हूँ ऑब्वियसली. सो ये जो कैमरा है ये हम जानवी को दे देते हैं ताकि ये रिकॉर्ड वगैरह कर सकें. गाइज इग्नोर ऑल द टॉक एंड मुझे मिलने वाला था. तू हार चुकी है ये पता है. अभी मेरे जोक्स पे हंस रही है ऑफ कैमरा. ये जोक्स पे हंसना इज नॉट टॉकिंग. क्यों 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 टेलिंग योर एक्सप्रेशन इग्नोरिंग सो यू कांट इवन यू नो अभी तुम को रिप्लाई भी नहीं कर सकती है. आई एम हैप्पी दैट आई गॉट माय कैमरा बैक. हां दैट इज बिकॉज़ ऑफ मी. तो तू चैलेंज हार चुकी है. आ आ आ आ आ आ आ हेलो गाइज आई नो इट्स अ वेरी वियर्ड एंगल बट क्या कर सकते हैं. दीदी के पास ट्राइपॉड है और वो बता नहीं रही है कहाँ है. अभी आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट. आप देख सकते हो मेरे पास ये क्यूट छोटे छोटे से दो समोसे हैं. आई एम गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट. मैं यूजुअली ये नहीं करती हूँ ब्रेकफास्ट में. आई हैव भाकरी चाय या फिर अजवाइन का पराठा. आई लव अजवाइन का पराठा. अजवाइन इज़ रियली गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो बट सम डेज वी कैन हैव दिस. सो आई एम गोइंग टू हैव दिस एंड आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी चोक्ड जो मैं नेटफ्लिक्स पर देख रही थी. आई एम जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू दैट एंड फिनिश. और आज मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए. लाइक आई जस्ट हैव दिस चैलेंज टू डू नथिंग एल्स. सो आई एम जस्ट गोइंग टू हैव माई ब्रेकफास्ट एंड देन आई विल कैच यू. हेलो गाइज आई टुक शावर एंड मैंने मेरा स्किन केयर कर लिया एंड गोपाली दीदी इज राइट हियर. यस
गाइस पानी पी लो. ओके शी इज मेकिंग सम वेरी डिस्टर्बिंग नॉइस बट इट्स ओके. तू तो आज मुझे इग्नोर करने वाली थी ना जानवी. क्या हुआ तेरा, तू लेमन ही हो गया है जानवी. बाय द वे गाइस दिस guys this tea is from shein.com and look oh god main just shot liya and I just took shot did my hair did and my everything and mummy ko bula ke la guys abhi pocha laga hai and jaane na dekho sab gila kar diya. पानी डालेगी तो मैं भी तो इसके ऊपर पानी डालूंगा. मैं नहा के निकली मम्मी, मैं क्यों अपने आप को गीला करूंगी अभी. मम्मी यही बकवास नहीं जान गोपाल, ये तो मान लो बहुत सीधी और बहुत चुलबुले हो. थैंक यू सो मच मामा. नहीं अब बताओ, अब ये पोछा लगा हुआ थे, पोछा लगाओ. जान भी लगाएगी तो उसकी भी जान भी. आप बिल्कुल नहीं लगाना है, आप बालकनी में बैठ जाओ. ठीक है, इसके जो नए कपड़े आए ना उसी से मैं पोछा लगाऊंगी. देखो देखो बिचारी को, देखो पूरा गीला कर दिया उसको. देखो वो आपको बिचारी. गाइस मैं बता रही हूँ ऑफ कैमरा इसने मुझसे बात की है, मैं सच्ची बता रही हूँ. गाइस हम सही जा रहे चैलेंज में. द थिंग इज आई एम वेट, माई हेयर आर वेट एंड माई टी शर्ट इज वेट, बट इट्स ओके. गर्मी है वैसे भी. I was watching Rabindranath Tagore stories on Netflix. मैंने वो मूवी ख़त्म कर दी, उसके बाद मैंने एक और स्टार्ट भी कर दी. एंड या आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द शीन क्लोथ्स दैट आई गॉट, जो पीछे थैली में पड़े हैं. बट उससे पहले जो लोग चुकी हूँ. आई हैव टू चेंज एंड आई डोंट नो मेरे फ़ोन की कंडीशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे फ़ोन रखा था जिसके ऊपर पूरा पानी गिरा है. वेयर इज माय फोन. अरे चल रहा है तेरा फोन, किडनी बेच के फोन खरीद रहा है, थोड़ी खराब होगा. हाँ भाई उसने भी. गाइस लुक एट दिस, वो यहाँ पे भी पानी है. आपको शीन हॉल बताने वाली थी. शीन ने मुझे थोड़े बहुत कपड़े भिजवाने जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ. नाउ आई वॉन्ट यू ऑल टू बी रियली काइंड टूवर्ड मी एंड ऑल द क्रिएटर्स, क्योंकि ये जो वीडियो है, जो कोलैबोरेशन है, ये बहुत महीने पहले साइन हुआ था और ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए कोलैबोरेशन साइन था. सो वी कांट ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट जो हमने एग्रीमेंट किया था, वी हैव टू फॉलो दैट. सो या बी नाइस. देर आर लॉट ऑफ एप्स एंड वेबसाइट, चाइनीज वेबसाइट्स जो हमारे पास आई थी एंड वी डिड कैंसल देम. एंड फ्यू थिंग्स कैन नॉट बी कैंसल. जो एग्रीमेंट साइन हो गया है वो हो गया एंड वी हैव टू डू इट. आई एम नॉट फोर्सिंग एनी वन टू गो एंड परचेज. इफ यू फील लाइक परचेजिंग यू कैन गो एंड शॉप फ्रॉम द वेबसाइट एंड ऐप. सो या विदाउट एनी फर्दर डिस्क्लेमर, लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस बैग. एंड ऑल्सो दिस बैग, आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बैग में क्यों है सारे कपड़े. इस बैग में इसके लिए है क्योंकि जो बॉक्स आया था उसमें हमने कपड़े लेके उसको डिस्कार्ड कर दिया. एंड जो सारे कपड़े हैं उसको हमने डिटॉल में धोए एंड उसके बाद सारे घड़ी करके प्रेस करके रखे हुए हैं, विच आई एम गोइंग टू शो यू ऑल. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस स्कर्ट, जो एक डेनिम स्कर्ट है, बहुत क्यूट है. मुझे कॉलेज पहन के जानी है बट कॉलेज पता नहीं कब खुलने वाले हैं. और एक और चीज़, हमारी वेस्ट का जो प्रॉब्लम होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है. सो मैंने ध्यान रखा कि मैं ये बेल्ट का ऑप्शन होना चाहिए.
सो आई गॉट दिस स्कर्ट. द गुड थिंग इज इसके सामने भी दो पॉकेट है, पीछे भी दो पॉकेट है, एंड इसके जो बटन है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी एंड नाइस. सो आई गॉट दिस. बाय द वे द साइज इज स्मॉल आई गेस. This is in the size small, so this is our first product. The second thing that I have is this very beautiful bag, जिसका color मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया. This is the front section. मेरी दादी कह रही थी बहुत अच्छे से बनाया गया and even अंदर का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मजबूत bag है. And ये काफ़ी trend में था. अंदर बहुत अच्छी pockets हैं, इसका color भी बहुत प्यारा है. ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, दो तीन books तो आराम से आ जाएंगे. And you can carry this to your college and I really really like it. This is our second product. The third one that I have is this pair right here, जिसका top पता नहीं कहाँ है क्योंकि मैंने इसको अभी पहना था मेरे last Instagram picture में. So this is the skirt. अब ये जो skirt जैसी दूर से दिखती है वैसी real life में नहीं होती, ये खाली print है, कपड़ा बहुत पतला सा है. सो मेक श्योर कि आप अच्छे से चेक करो. मुझे लगा था कि इसका कपड़ा काफ़ी लाइक मोटा एंड प्रिंट बहुत ज़्यादा हेवी लगती है, बट वैसा नहीं है. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज पैंट. नाउ मुझे पैंट्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि हमारी जो हाइट है वो थोड़ी छोटी है एंड इनके लाइक कपड़ों की साइज मुझे लिटरली समझ नहीं आती है. सो दिस इज़ द वन दैट आई गॉट. दिस इज़ अ वेरी क्यूट रिप्ड बॉयफ्रेंड जीन्स. इसकी वेस्ट फिर भी आई गेस 28 है, बट इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है जो फोल्ड करवाने के बाद भी मुझे नहीं आएगी. सो आई एम गोइंग टू गिव दिस टू माई सिस्टर और फ्रेंड जिसको आ जाएगा. मैं इसकी साइज़ बता देती हूँ आपको. स्मॉल में गाइस, एक्स्ट्रा स्मॉल में भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा आया है, बट इसकी पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छी है, मटीरियल भी बहुत अच्छा है. अगर ये मेरे साइज़ में होता बहुत अच्छा लगता. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस रियली क्यूट ड्रेस, जो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है. इसका कलर एंड कपड़ा एवरीथिंग इज़ रियली नाइस. सो दिस इज़ इन द साइज मीडियम. सो मुझे एकदम ज़्यादा बॉडी हग्ड नहीं चाहिए थे एंड बहुत ज़्यादा ढीले भी नहीं चाहिए थे. सो आई गॉट दिस वन. इसकी लेंथ भी बहुत परफेक्ट है, स्लीव्स एंड कलर सब कुछ बहुत ज़्यादा प्यारा लगा. आई रियली लाइक दिस वन. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस शर्ट. सो इसका मटीरियल बहुत ज़्यादा अलग है. मुझे लगा था थोड़ा यू नो कॉटनिश में होगा, मैंने पढ़ा नहीं था कैसा है, बट ये वो नाइट सूट मटीरियल टाइप में है. बट ये बहुत ज़्यादा क्यूट है. आई कांट वेट टू स्टाइल दिस अप बहुत सारी ज्वेलरी के साथ, बहुत ज़्यादा क्यूट लगेगा. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज दिस ड्रेस. इसका कलर देखो कितना सुंदर है. ये पर्पल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है एंड इसकी साइज इज परफेक्ट, लाइक लिटरली बहुत अच्छी है. मुझे कमर पे इलास्टिक वाले कम पसंद है, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे. इसका साइज भी आई गेस स्मॉल था. हाँ, दिस इज ऑल्सो इन द साइज स्मॉल एंड आई रियली रियली लाइक इट. द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव इज वन मोर पैंट जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. दिस इज अ जॉगर्स आई गेस. दिस इज हाउ इट इज अकॉर्डिंग टू माई सिस्टर. दिस इज इन रेनकोट मटीरियल. बहुत प्यारे से बड़े से पॉकेट्स हैं, यहाँ पे भी पॉकेट्स हैं एंड नीचे इलास्टिक है, बट अगेन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है मेरे साइज के लिए. सो या द लास्ट थिंग दैट आई हैव इज माय फेवरेट आउट ऑफ दिस होल हॉल. इट इज़ दिस बैग विच हैज़ 6 घूरीज इनसाइड इट. आई एम गोइंग टू शो यू ऑल. एक एक करके दिखाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था ये. द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव इज ये प्यारे से शॉर्ट्स. द गुड थिंग इज ये सारा विक्टोरिया सीक्रेट का वो प्रिंट वाला है. दिस इज द शॉर्ट. ये है ब्लेजर प्यारा सा, सब में ब्लैक लाइनिंग है एंड यहाँ पे कुछ लिखा है, ये फैशन लिखा है. आई डोंट नो ये क्या लिखा है, बट कुछ तो लिखा है. देन वी हैव द थर्ड पीस जो एक टी है जो आप पहन सकते हो. And then we have the whole pajama. So shorts, tee, अगर आप वो पहनना चाहो वो. And then you have the whole cover up thing also. Like good size pajama. The good thing is इसका size बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए perfect था. And the last two things are ये sleeping mask and the same color की scrunchie. I'm so obsessed with scrunchies. मुझे ऐसे बेसिक रबर बैंड कम पसंद है, हेवी स्क्रंचीज ज़्यादा पसंद है एंड ये छोटा सा बैग. आई रियली रियली लाइक दिस होल सेट. ये 6 सेट बहुत
अच्छी वाइब देता है। मैं इसका भी आपको साइज बता देती हूँ बिकॉज दिस वॉज सो परफेक्ट फॉर मी। ये मैंने स्मॉल साइज में ऑर्डर किया था। So yeah, that is it for this haul. And अगर आप कुछ भी शीन से परचेज करते हो above 500, you can use my code JANHAVI. This is my code. You can get 10% off. So yeah, do use my code. And now let's go back and irritate or not talk. Let's go. देखना, तू तो मुझसे बात नहीं कर रही हो, तो मैं देखूं चाहे ना देखूं क्या फर्क पड़ता है जानवी। नहीं पता मैं क्या करती हूँ, इसके ये जो कपड़े हैं ना इस पे कैची चला देती हूँ। ये मतलब चार बार देखेगी मुझे और चार बार मुझसे बातें करेगी। और बता जानवी, तो जैसे मुझे फट जाएगा तुझे पता है मैं रहन नहीं करूँगी। So annoying guys. इसने जितने भी कपड़े तय करके मम्मी बस इसका एक ही रोना मम्मी तेरा चैलेंज है कि मम्मी का चैलेंज है। सो थैंक यू मामा और फॉर सेंडिंग दिस ताकि मेरी बहन मुझे ऐसे लगाए। ऑन द हेल गाइस आई हैव टू टेक शॉवर एंड आई टेक शॉवर। ओ गॉड, तेरा बहुत दिन से स्किन केयर रूटीन नहीं हुआ है ना। गाइस दैट्स वाओ, ला मैं तेरा फेशियल कर देती हूं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड मेरे बैंग बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हैं, ये देखो। अब मैं इन्हें आगे भी नहीं रख सकती बिकॉज दे लुक सुपर वियर्ड, और ये पीछे भी नहीं रह रहे। लेट्स इग्नोर देम। आई वॉज सेइंग कि अभी 12 बज रहे हैं, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया एंड आई वॉज जस्ट चिलिंग, वीडियोज़ वगैरह देख रही थी एंड ये चैलेंज ख़त्म हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आई बट मेरा ही बहुत ज़्यादा लॉस था क्योंकि मैं बहुत इरीटेट हो रही थी बिकॉज ऑफ माई सिस्टर, शी इज़ वेरी इरीटेटिंग। बट आई स्टिल हाँ, ऐसे मोमेंट्स थे जहाँ पे आई वॉज लाइक लेट्स गॉसिप, मुझे ये चीज़ बतानी है उससे, वो चीज़ बतानी है, काफ़ी बार कुछ पूछना भी था और मैंने पूछ भी लिया था, एक दो बार मैंने पूछ लिया था। बट That's how it is. We can't stop talking to our siblings. So yeah, I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई सी माई नेक्स्ट वन। बाय, आई लव यू। बाई।